नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर में उन्होंने जनता दर्शन का कार्यक्रम भी किया। जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी, साथ ही गौ सेवा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कल पूजा अर्चना की थी, गौ सेवा भी की थी, जनता दर्शन भी लगाया था। साथ ही आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही है, जहां उन्होंने सबसे पहले आज सुबह गोवर्धन पूजा की, गौ सेवा की और उसके बाद जनता दर्शन का कार्यक्रम भी किया, जिसमें दूर दूर से जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की फरियादें सुनी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोरखपुर से तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने सुबह गोवर्धन पूजा की थी, भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चना की थी, साथ ही गौ सेवा भी की और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन भी लगाया, जिसमें दूर दूर से प्रदेश भर से जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए उनकी समस्याएं सुनी। वहीं उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सहयोगी दल एक्टिव हो गए हैं। मीरापुर में 6 नवंबर को जयंत चौधरी प्रचार प्रसार करेंगे। 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार को और ज्यादा धार देंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोरना या मीरापुर में से एक जगह जनसभा करेंगे और बीजेपी के पक्ष में और आरएलडी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 4 नवंबर को भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे। वहीं 13 नवंबर को आपको बता दें कि मीरापुर सीट पर मतदान होना है। 23 नवंबर को वोटिंग की जो मतगणना है वो होगी। 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। वहीं जहां आरएलडी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल 4 नवंबर को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में शामिल होंगे। 9 या 10 नवंबर को मीरापुर में अखिलेश यादव की भी जनसभा होगी। तो पूरी तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी भी एक्टिव है। हालांकि मीरापुर सीट पहले भी आरएलडी के ही खाते की सीट रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अब की बार भी आरएलडी को ही सौंपा है। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी और आरएलडी दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं, मीरापुर की बात करें तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। 6 नवंबर को उनका कार्यक्रम है। वहीं 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मीरापुर में जनसभा करेंगे और आरएलडी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछली बार मीरापुर सीट से हार गई थी, यही वजह था कि अब की बार समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से बात करें, यूपी में उपचुनाव की उल्टी गिनती जो है शुरू हो गई है, बेहद कम समय रह गया है 13 नवंबर को पहले चरण के लिए, यानी उपचुनाव में जो सभी 9 सीटें हैं सबके लिए वोटिंग होनी है और 23 को नतीजे हैं। ऐसे में जो अगर बात करें मीरापुर की, तो मीरापुर में समाजवादी पार्टी और आरएलजी दोनों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। जी बिल्कुल लिया, अगर बात करें उपचुनाव की तो 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और यह 9 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम भी मानी जा रही है और यही वजह है कि पूरी तैयारी सपा और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस चुनाव में आरएलडी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी और बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अगर मीरापुर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से कई बार की विधायक रहे मिथिलेश पाल पर आरएलडी ने भरोसा जताया है, या गठबंधन की सीट है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कादिर राणा की बहू यानी सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है।
दोनों तरफ से टक्कर कड़ी दिखाई दे रही है और इस मीरापुर सीट पर जीत के लिए अब पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, खाका तैयार कर लिया गया है। 6 नवंबर को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, 9 नवंबर को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और 4 नवंबर की बात करें तो श्यामलाल पाल सपा प्रदेश अध्यक्ष यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, 9 या 10 नवंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यहां पर प्रोग्राम लगा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मीरापुर सीट भी काफी हार्ड सीट है, यह रालोद की परंपरागत सीट। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा आरएलजी की परंपरागत सीट है, इससे पहले भी ये सीट आरएलजी के ही खाते में थी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर बार्गेन किया तो अब की बार सिर्फ एक सीट जो है आरएलजी को दी और जैसा हमने देखा भी कि निषाद पार्टी को कुछ भी नहीं मिला, बाकी 8 सीटों पर बीजेपी खुद दम भर रही है। अब अगर मीरापुर के रण को समझे आसिफ, क्योंकि आरएलजी के ही खाते की सीट थी, किस तरह से मीरापुर का रण दिख रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और एक तरफ आरएलजी के प्रत्याशी, एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनके बीच हम क्या मान सकते हैं, क्या सीधी टक्कर या फिर यहां पर आजाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट उतरा और बसपा वो भी कुछ टक्कर देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए रिया, अगर बात करें मीरापुर सीट की तो मीरापुर सीट का रण काफी भीषण दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि पिछली दफा चुनाव रालोद में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने रालोद को सीट दी थी, तो जिससे अब अगर बात करें विपक्ष की तो यहाँ पर साथ लड़ने वाली सपा अब इस बार अकेले जो है चुनावी ताल ठोक रही है, यहाँ पर सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया है और जिस तरह से जो समीकरण बने हैं यहाँ पर काटो भरी टक्कर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी, भूपेंद्र चौधरी तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो मीरापुर सीट पर रालोद प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक समीकरण है पिछले चुनाव का और अब इस चुनाव पर कहीं ना कहीं बदला दिखाई दे रहा है और चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, सबके मन में एक भय कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, चाहे मीरापुर की सीट हो या फिर 8 बची अन्य सीटें, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जो है उलट फेर हुआ, बीजेपी को बड़ा झटका लगा, यह झटका दोबारा न लगे इसका भी डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार कांग्रेस के साथ सपा के रिश्ते कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि समाजवादी यहाँ पर एक फैक्टर ये भी ध्यान देने वाला है आसिफ की, हालांकि जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी काफी हिट हुई, लेकिन अब की बार कांग्रेस ने थोड़ी दूरी जो है चुनाव से बनाई है, लेकिन जो एक पिक्चर बाहर दिखाई दे रही है वो ये है कि ऊपर कांग्रेस जो है अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देगी, लेकिन अगर धरातल की मैं बात करूं तो क्या धरातल पे भी ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो समर्थन दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, धरातल की अगर बात करें ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ समीकरण? देखिए भैया, अगर ग्राउंड जीरो से बात करें तो कांग्रेस के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ माई वाली कहानी दिख रही है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, अगर यहाँ समाजवादी पार्टी को झटका लगता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा आरोप कांग्रेस पर भी जा सकता है और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव की तैयारी की थी, अपने पर्यवेक्षक उतारे थे और अगर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो कांग्रेस की भी हार मानी जाएगी और जिस तरह से अगर रिश्तों की बात करें तो खटास देखने को मिल रही सपा और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस ने एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया और यही फैसला कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में नासूर बनकर दिख रहा है। लेकिन अगर यूपी की 9 सीटों की बात करें तो यूपी की 9 सीटों पर पीडीए फार्मूले से
समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारी है और पीडीए फार्मूले पर ही। बिल्कुल, यानी एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पीडीए के दम पर एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब की बार बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी बखूबी यह समझ रही है कि ये उपचुनाव का जो शोर है वो उसकी गूंज 2027 तक सुनाई देगी, और अब की बार इसकी काट के लिए यानी पीडीए की काट के लिए बीजेपी अपने अलग सोशल इंजीनियरिंग या सोशल समीकरण लेकर आई है। हालांकि कितना कौन किसमें कामयाब हो पाता है, किसका पीडीए काम करता है और किसकी सोशल इंजीनियरिंग जातीय समीकरण काम करती है, वो देखना अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रायबरेली से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां दरोगा और सिपाही की पिटाई का मामला सामने आया था। अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ चुका है। आरोपी एक्स आर्मी मैन ने पुलिस पर आरोप लगाया है। आरोपी इंदल सिंह का चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक पर आरोप है। चौकी में पुलिस कर्मियों ने जानवरों सा सुलूक किया, पुलिसकर्मियों ने जानवरों की तरह मेरी पिटाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपी रिटायर्ड फौजी इंदल सिंह ने मदद की भी गुहार लगाई है। दोषी पुलिसकर्मियों पर आरोपी इंदल सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, रायबरेली से खबर सामने आई थी, जहां कुछ दबंगों ने जो है दरोगा समेत सिपाही की बीच रोड में पिटाई कर दी थी, जिसके बाद इस मामले में FIR दर्ज हुई और पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से 6 को गिरफ्त में भी ले लिया। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले को देखते हुए आरोपी एक्स आर्मी मैन बताया जा रहा है, साथ ही आरोपी एक्स आर्मी मैन इंदल सिंह का कहना है कि चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक ने उस पर जो है उसके साथ बदसलूकी की। चौकी में पुलिसकर्मियों ने जानवरों सा सुलूक किया, पुलिसकर्मियों ने जानवरों की तरह पिटाई की है, ऐसा आरोप आरोपी जिंदल सिंह जो है इंदल सिंह वो लगा रहे हैं। इसी दौरान आरोपी इंदल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाई है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वही यूपी में जारी पोस्टर वॉर के बीच बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने कहा है, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। नारे ने साबित कर दिया है कि उनके 10% मतदाता बचे हैं, बीजेपी के बचे मतदाता भी खिसकने के कगार पर है, इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में है। तो जहां यूपी की सियासत गरमाती जा रही है, उपचुनाव को देखते हुए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वही पोस्टर वॉर बीजेपी और सपा के बीच बढ़ता जा रहा है। इस दौरान बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। एक बार फिर से अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने लिखा है कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। नारे ने साबित कर दिया है कि उनके 10% मतदाता बचे हैं, बीजेपी के बचे मतदाता भी खिसकने की कगार पर है, और यही वजह है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और उन्हें उन 10% मतदाताओं को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वहीं यूपी की सियासत पर होल्डिंग वॉर जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नारे पर पलटवार किया है। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में हार की निराशा नकारात्मकता नारा देकर बचे 10% वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने नकारात्मक नजर और नजरिए को बदलने की सलाह दी है। तो यहां पर अखिलेश यादव जहां एक तरफ एक तीर से दो निशाने करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ जहां अखिलेश यादव बीजेपी को धमकी देते हुए दिख रहे हैं कि बीजेपी के महज 10% मतदाता बचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव नसीहत भी बीजेपी को दे रहे हैं कि नकारात्मक नजर और नजरिए दोनों को बदल दे बीजेपी।
वहीं अयोध्या के रुदौली के अली हॉस्पिटल खैरनपुर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलने की सुविधा लोगों को मिल रही है या नहीं, इसकी हकीकत को परखने के लिए इंडिया वॉइस की टीम ने रियलिटी चेक करते हुए सबसे पहले अली हॉस्पिटल के डॉक्टर मेजर अहमद खान से बातचीत की, जिस दौरान मेजर अहमद खान ने बताया कि मरीज को राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड लाना होगा, जिसके बाद कई तरह की बीमारियों का ऑपरेशन 5 लाख तक निशुल्क किया जाता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों से इंडिया वॉइस टीम ने बातचीत की, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई जा रही है, जिसमें गरीबों को जो है 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं। इसी का रियलिटी जानने के लिए इंडिया वॉइस की टीम जो है इस समय अली अस्पताल में है, और यहां देख सकते हैं कि ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के ऑपरेशनों का जो इलाज होता है वो 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज होता है, और यहाँ अली अस्पताल में ये सुविधाएं मिलना शुरू हो गई है। अभी तक की ये सुविधाएं जो है फैजाबाद और लखनऊ में लोगों को मिलती थी, लेकिन अब ये सुविधा मिलना शुरू हो गई, लेकिन उसका रियलिटी भी यहाँ पे इंडिया वाइज चेक करेगी। जो यहाँ पे मरीज भर्ती है उनका इलाज आखिर मुफ्त हो रहा है या पैसे से? आयुष्मान कार्ड से मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं, और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर मिराज खान है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहें डॉक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड की सुविधा अपने यहाँ रुदौली मिल रही, तो कितनी नई चीज है अपने रुदौली के लिए? देखिये, रुदौली में पहली बार ऐसा हुआ कि रुदौली क्षेत्र में आयुष्मान माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज किया जा रहा है। रुदौली का पहला अस्पताल है जहां पर आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। यहां पर सारे आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, जैसे कि पित्त की थैली में पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, अपेंडिक्स का हो, हर्निया का हो, सारा दूरबीन से ऑपरेशन होता है। इसके साथ साथ में फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, इन्हें जितनी भी समस्त जनरल सर्जरी एवं यूरो सर्जरी की जो ऑपरेशन है, दूरबीन विधि द्वारा यहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध है। हमारा निवेदन है कि रुदौली के क्षेत्र के लोग, सभी लोग इसका जो है निःशुल्क लाभ। इसके लिए मरीजों को क्या लाना पड़ेगा कि जिसे आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिले? आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो राशन कार्ड हो, कंप्यूटराइज्ड, आधार कार्ड हो, और जो है आयुष्मान कार्ड हो। ये 3 चीजें लाना जरूरी होती है। इसमें जो है इसके अलावा कोई ऐसा शुल्क चार्ज नहीं किया जाता इसके लिए। ये हमारे साथ डॉक्टर मिराज थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि आयुष्मान कार्ड की सुविधा अपने रुदौली में मिलना शुरू हो गई है। उसके लिए मरीज को आधार कार्ड, राशन कार्ड और अपना ये आयुष्मान कार्ड लाना होगा, उसके बाद जो है उसकी इलाज जो होगा वो पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। प्रशंसा कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि अली अस्पताल में जो है आयुष्मान कार्ड से तमाम लोगों को ऑपरेशन की सुविधाएं, तमाम प्रकार के इलाज जो है मुफ्त हो रहे हैं, और यहाँ पे जो मरीज आए हुए हैं उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आपको, आयुष्मान कार्ड से सुविधाएं उधर मिल रही हैं? जी हाँ, सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिल रही हैं। क्या कराने के लिए आप यहाँ आए थे? पित्त की पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे जी। तो आपके पास आयुष्मान कार्ड? हमारे पास आयुष्मान कार्ड था, उसी से। कहाँ से? मोहम्मदपुर दाऊदपुर, मवई क्षेत्र के रहने वाले जी। तो यहाँ पे जो मरीज है उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो ऑपरेशन हुआ पूरी तरीके से मुफ्त हुआ है, सुविधाएं भी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे कुछ परिजन उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आयुष्मान कार्ड से सुविधाएं? आयुष्मान कार्ड से सुविधा बहुत अच्छी मिली है। अली हॉस्पिटल में पित्त का ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन हो गया, किसी तरह का निःशुल्क हुआ, किसी तरह का पैसा नहीं पड़ा है। मैं मोहम्मदपुर दाऊदपुर से आया हूँ। अभी तक की आप लोग इलाज कहाँ कराते थे आयुष्मान कार्ड? फैजाबाद और लखनऊ जाना पड़ता था, अब जो है अली हॉस्पिटल में हो जाता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाया, तो धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री को, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान कार्ड से। हमें क्या नाम पड़ता है? मोहम्मद यहिया, मोहम्मदपुर दाऊदपुर। क्या नाम पड़ता है आपका? क्या नाम? मोहम्मद यहिया, मोहम्मदपुर दाऊदपुर। तो यहाँ पे जो मरीज भी आए हुए हैं उनका यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं दी जा रही है कि 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज होगा, उस तरीके से यहाँ पे कई मरीजों को बात की गई, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो 5 लाख की जो आयुष्मान कार्ड से सुविधाएं मिलना शुरू हो गई, ये रुदौली विधानसभा के क्षेत्र के जो भी मरीज हैं उनको यहाँ पे मुफ्त इलाज मिलता हुआ नजर आएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।